अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिज़ाइनिंग सा अबाया, या फिर आप लोग इसको लॉन्ग ड्रेस के जैसे भी पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने ये बनाया है, और जो लोग नए हों उन लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे न्यू टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है और ये जो ड्रेस है, एल से एक्सेल साइज जो है उन लोगों के लिए इजीली फिट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लेना होगा स्लीव्स का लंबाई, यानी कि 22 इंच मैंने लिया है लंबाई। और ये जो पार्ट आप लोग देख सकते हो फ्रंट पे, ये हमने लिया है 14 इंच का। यहाँ पर आप लोग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। वेस्ट और चेस्ट मैंने 14 इंच लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेल्ट यूज़ करूँगी, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लूज करके लिया है। और टॉप पार्ट का जो पार्ट है वो हमने लिया है 17 इंच, और टोटल लेंथ है ड्रेस का 55 इंचेस। ऊपर का जो हिस्सा है वो है 35, जहाँ मेरी टोटल टू पार्ट पे होगा, ये थ्री पार्ट नहीं टू पार्ट पे होगा। और ये है 20 इंच, जो मेरी नीचे का जो एक पैलेट्स वाला पार्ट है वो होगा। तो मैं कटिंग के समय आप लोगों को मैं बताते जाऊंगी, तो आप लोगों को इजी होगा समझने में। यहाँ पे 7 इंच हमने लिया है शोल्डर के लिए। यहाँ पे जो फैब्रिक हमने लिया है थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि ये जो फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी वो चारों तरफ से अगर मैं खींचती हूँ तो ये इलास्टिक फील आता है, सो इसीलिए मैंने थोड़ा 1/2 इंच कम लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर का जो टॉप है वो हमने लिया है 35 इंचेस, और हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। जो लोग नए हो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँ, अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोगों की जो पुरानी कमीज़ है उससे भी आप लोग इसे बना सकते हो मेजरमेंट से। सिर्फ इसके ऊपर आप लोगों को वो कमीज़ जो है वो इसके ऊपर रख के सिर्फ उसका माप लेकर भी आप लोग इसको बना सकते हो। जो लोग फिटिंग यानी कि एकदम मेजरमेंट से बनाना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए बेसिकली मैंने ये इस तरह से माप देकर मैं बता रही हूँ। तो आर्म होल के लिए हमने लिया है 7 इंच, और जो चेस्ट है वो हमने लिया है 10 इंच, और ये है 17 इंच। ये 17 इंच मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है यानी कि जो हमारा बेल्ट होगा उसको लगाने के लिए हमें मार्क चाहिए, सो इसीलिए हमने ये 17 इंच लिया है, क्योंकि वो शेप हमें देना होगा जो कमर का शेप होता है। सो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और ये यहाँ वाला जो पार्ट है शोल्डर का, हमें यहाँ पे थोड़ा 1/2 इंच का माप लेकर यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, फ्रंट पे हम 2.5 इंच का नेक लिया है, क्योंकि फ्रंट पे हम कोई भी हुक यूज़ नहीं करेंगे, हम बैक पार्ट पे 2 इंच का हुक देंगे। उसके बाद वेस्ट से हम नीचे तक इसको कट कर देंगे और यहाँ पे आर्म होल को मार्क कर लेंगे। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और इस अबाया या फिर लॉन्ग ड्रेस जो है इसको बनाने में मुझे 1.5 मीटर्स मुझे लगा। और दूसरी बात, यही कपड़े से हमने दो ड्रेस बनाया है, यानी कि एक मेरे लिए बनाई है और दूसरा मेरी बेटी के लिए भी मैंने बनाया है सेम डिज़ाइन, यानी कि सेम फैब्रिक से। तो आप लोग समझ सकते हो बहुत ही कम कपड़े से आप लोग इसको एक डिज़ाइन सा बहुत ही एक फ्लैट सा लुक दे सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पैलेट्स वाला पार्ट है उसको हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पे हम 20 इंच पे मार्क करते हैं, और इसका जो कपड़ा है हमारा, ये घेर है तकरीबन 1 मीटर का, यानी कि जो घेर है वो, तो यहाँ पे मैं 1 मीटर है फ्रंट पे, 1 मीटर है बैक पे, यानी कि जो पैलेट्स के लिए हम यूज़ करेंगे वो वाला पार्ट। तो आप लोग समझ सकते हो कितना पैलेट्स आता है। अगर आप लोगों को चाहते हो कि इसे ज़्यादा पैलेट्स देने के लिए, तो आप लोग ये फैब्रिक जो है इसको डबल करके भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके लिया है दो स्लीव्स को एक साथ,
हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क करेंगे 10 इंच पे। उसके बाद हमारी जो मेजरमेंट्स जिस तरह से आप लोग करते हैं वो करो। मेरी ये नॉर्मली बैलेंस पे चला आता है, सो इसलिए मैं बिना माप के ही मैं ये कर रही हूँ। पर आप लोग जो लोग नए हो वो उन लोगों को मैं कहूँगी आप लोगों को मेजरमेंट से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करो। और लंबाई हमने लिया है 22 इंचेस और इसका जो घेर है घेर हमने लिया है तकरीबन 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच मैंने थोड़ा लूज करके ले रही हूँ क्योंकि ये अबाया है, सो इससे थोड़ा लूज होना ही, लूज अगर हो तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं और इसी तरह से हमारी दो स्लीव्स तैयार हो जाएगा। और जो बचे हुए फैब्रिक्स है, छोटे छोटे फैब्रिक्स जो निकल के आया है, उस फैब्रिक से हमें छोटे छोटे करके स्ट्रिप तैयार करना है। कुछ हमें तैयार करना है स्लीव्स के लिए, कुछ हम लोगों को कटिंग करना होगा जो हमारी नेक के लिए जो राउंड शेप वाला पार्ट आता है, यू को जो पार्ट है वो उसको ले आने के लिए हमें थोड़ा चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है हमने इसका चौड़ाई लिया है तकरीबन 1.5 इंच का, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा जब हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से आप लोगों को स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने दो बार फोल्ड करके नॉर्मल स्टिच दिया है। देने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे करके पैलेट्स डालेंगे और ये हमने कैसे किया वो भी मैं सामने बताते जाऊँगी। यहाँ पे मुझे दो लेयर चाहिए, यानी कि दो लाइंस चाहिए इस तरह से, जो रिजल्ट है वो दिखने में ऐसा आएगा इस तरह से। तो हम इसको यहाँ पे इसको साइड करके रख देते हैं, स्टिचिंग के समय मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। ये है दूसरा जो हमने दिया है जो हमारी नेक के लिए चला जाएगा। ये हमने लिया है तकरीबन 3 इंच का चौड़ाई, दोनों तरफ से हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और सेंटर से हम लूज स्टिच करके जो धागे हैं उसको हम खींचे हैं। खींचने के बाद ये पैलेट्स पर हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारे स्कर्ट का पार्ट है नीचे का वो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट स्टिच मैंने किया है। करने के बाद यहाँ से जो नीचे का पार्ट है स्टिचिंग का थ्रेड जो है उसको हम लोग खींच के यहाँ पे ये पैलेट्स बनाएंगे, यानी कि एक धागे को हम खींचते जाएंगे तो ये छोटे छोटे करके पैलेट्स पड़ते जाएंगे। और नीचे से हमने दो बार फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर स्टिच कर लिया है। और ये है हमारा फ्रंट नेक जो मैं बताया था, मैंने 2.5 से 3 इंच तक मैं ले लूँगी क्योंकि मैं फ्रंट पे छोटा चाहती हूँ, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं चाहूँ, मुझे पसंद नहीं अबाया के लिए, सो इसलिए मैंने छोटा करके लिया है। और उसके बाद जो पैलेट से उसको थोड़ा बैलेंस करके हम लोगों को यहाँ पे पिंसेस से ब्लॉक करना होगा। मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी आप लोग प्लीज़ इसको पिंसेस सिक्योर करो, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक्स जो है वो थोड़ा टफ होता है बैलेंस करने में। अगर आप लोग पिंस से अटैच कर लेते हो तो बहुत ही आसानी होगी स्टिचिंग के समय। तो ये है हमारा फ्रंट। तो फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को 14 इंच पे एक मार्क देना था जो हम लोगों ने पहले बता दिया था। तो यहाँ पे मैं एक यू शेप में मार्क कर रही हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा ये स्टिचिंग करने में। अब जो लोग नए हों अगर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है इस तरह से पिन से ब्लॉक करके उसके बाद स्टिच करना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट धागे से स्टिच भी कर सकते हो, उसके बाद आप लोग इसको नॉर्मल मशीन से आप लोग स्टिच करते हो, इससे बहुत ही आसानी होगी। जब ये नेक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को ये जो बेल्ट है जो वी वाला कट हमने कटे थे वहाँ पे हम लोगों को बेल्ट को भी अटैच करना होगा। सो अब हम आप लोग ये जो पार्ट है हम लोगों को अब बेल्ट को स्टिच करना होगा। स्टिचिंग से पहले मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ, बाद में आप लोगों को मैं स्टिचिंग का तरीका बताते जाऊँगी। तो बैक पार्ट पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 इंच का मैंने हुक के स्पेस रख के मैंने कटिंग किया है तकरीबन 2 इंच का। अब हम फ्रंट और नेक जो है फ्रंट और बैक पार्ट जो है
उसको हम फेस टू फेस रख के सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ वो है जो हमारा पैलेट्स का पार्ट था वो हम स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग करने के बाद हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच हम लोग जिस तरह से नॉर्मली नेक को स्टिचिंग करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को वो स्टिच करना है। तो हमारी ये जो पैलेट्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको राइट साइड फेस टू फेस रख के हम यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम जो हमारी नेक का फिनिशिंग है वो देंगे और आखिर में यहाँ पे मैं हैंड स्टिच दूंगी जो विजिबल नहीं होगा, जो हम जिस तरह से हम लोग नेक के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हैंड स्टिच से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो जब ये शोल्डर स्टिचिंग हो गई है अब हम यहाँ पे बैक से लेकर फ्रंट से लेकर फिर से बैक तक हम चाप स्टिच देंगे जो हमारी अबाया का फिनिशिंग लुक होगा नेक के लिए। तो इससे होगा क्या, इसे एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा और इसका फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब ये स्टिचिंग हो जाए आप लोगों को यहाँ पे ये छोटे छोटे पैलेट्स तैयार करना है। यहाँ पे मेरी जो मशीन्स है यहाँ से आप लोग स्टिच मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ जिसके लिए मेरी जो पैलेट्स है वो ऑटोमेटिकली स्टिचिंग हो जाती है, मुझे ज़रूरत नहीं है जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया था वो। तो यहाँ पे मैंने ये पैलेट्स को डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर रही हूँ। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर चाप स्टिच भी देंगे इस तरह से। देने के बाद सेम इसी वे में हम लोगों को जो सेकेंड वाला पार्ट है यानी कि ऊपर पे जो पार्ट होगा वो भी हम लोगों को अटैच करना होगा। उसका जो डिस्टेंस है मैं मेरे फिंगर का 4 फिंगर से स्पेस से दूर रखूँगी यानी कि तकरीबन 3 इंच का होगा, 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा उसकी डिस्टेंस में रख के यहाँ पे इसको सेम प्रोसेस में ही इसको स्टिच कर रही हूँ। जब ये हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर भी हम चाप स्टिच दे देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को जो स्लेवेस है इसको अटैच करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं पिन से इसको सिक्योर करूँगी उसके बाद मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। इसी तरह से आप लोग कोई भी डिज़ाइन का जो अबाया है मेरी चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे अबायास की वीडियोस मैंने दे दिए हैं, आप चाहो तो मेरी चैनल को एक बार देख के आ सकते हो। बहुत ही न्यू वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर करते जाऊंगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टिचिंग करेंगे। ये जॉर्जेट फैब्रिक मैंने लिया है। जब मेरी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा हम पूरे जहाँ जहाँ पे मेरी स्टिचिंग हुई है वहाँ वहाँ पे मुझे जिगजैग स्टिच देकर यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को बनाएंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई हमने लिया है 5 इंच का हमने लिया है और लंबाई हमने लिया है 15 इंच। तो इसी मेजरमेंट से हमें 2 पीसेस चाहिए और इसको हम इस तरह से डोरी जिस तरह से हम लोग स्टिचिंग करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को इसको स्टिचिंग करके उसके बाद राइट तरफ ले आना होगा। तो यहाँ पे मेरी ये बेल्ट है, तो ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको घुमा के राइट तरफ ले आकर इसको ये जो वी वाला कट था जहाँ पे मेरी वेस्ट का कटिंग था वहाँ पे हम लोगों को इसको जॉइंट करना है। जब ये जॉइंट हो जाए उसके बाद हाथों से जो हमारी कलाई है वहाँ से लेके ड्रेस के नीचे तक हम लोगों को इसको स्टिचिंग करके इसको फिनिशिंग करना है और उसके बाद यहाँ पर भी हम जिगजैग स्टिच से इसको कंप्लीट कर लेंगे। नहीं तो इससे कंटिन्यूसली जो धागे हैं वो निकलते जाएंगे और जो ड्रेस है वो स्टिच है वो फट जाएगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में बहुत ही ख़राब लगेगा। सो यहाँ पे तैयार हो गई है गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना
और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के दौरान आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो ये जो फैब्रिक है हैवी फैब्रिक नहीं है, थोड़ा डार्क टाइप का मैंने लिया है, बट ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और इसको आप लोग समर पे इजीली इसको कैरी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस जो मेरी वीडियो देख रहे हो। जो लोग नए हो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब जब हम न्यू वीडियोस आप लोगों को शेयर करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।